नहीं शिवाय, जाने दीजिए। वैसे भी हमारा काम हो गया है। इस पपलू ने खुद ही अपने सारे कारनामे कबूल कर दिए और ये रही रिकॉर्डिंग। इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट कर लो। इसने खुद अपने गुनाहों का कन्फेशन किया है। अरेस्ट कर लो इसे। कहते हैं ना, 100 दिन चोर के और 1 दिन साधु का। इतनी सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये सब करके क्या मिला तुम्हें कद्दू? तुम चाल पे चाल चलते गए और शिवाय तुम्हारी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देते गए। मैं रोजी रानी बन के तुम्हें पप्पू बनाती रही और तुम मुझे अपना प्लान उगलते गए। मतलब तुम जैसी मन बुद्धि इतनी बड़े शरीर का क्या हो सकता है इस दुनिया में? तुम एक काम करो, तुम जेल में ही जाओ, ठीक है? तुम जेल में ही ठीक हो और वहां तुम्हें 2 वक्त की रोटी तो मिल जाएगी, तो खुश रहना। तो समझे बबुआ, जरा जेल जाओ ठाक करके निकलो। क्या हुआ बुआ? नहीं, मैं तो तुम्हें बोल रही थी बेटा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। पुलिस इसे लेके जा रही है ना, पुलिस को पुलिस का काम करने दो ना। बहुत हो गई है दिखावे की दोस्ती, अब सड़ो जेल में वीर। गेम्स ओवर। गेम्स नॉट ओवर, गेम अभी स्टार्ट हुई है। तू समझ गया ना, मैं तेरा दुश्मन हूं, तुम सबका बर्बाद कर दूंगा एक-एक को। I swear it! Oberoi's Kadam! Kadam! Finished! Inspector! इस आदमी ने मेरी बीवी को बताया कि इस फैमिली में से कोई है जो इसके साथ मिला हुआ है। उस इंसान का पता लगाना अब आपकी ड्यूटी है। अनिका, प्रूफ। जी। ये लीजिए। डोंट वरी मिस्टर ओबेरॉय, हमें मुंह खुलवाना बहुत अच्छे तरीके साथ है। कमाल हो गया, क्या हिम्मत दिखाई आठ फुट के आगे, मजा आ गया। ओ मैं माता, आखिर बहू किसकी है? ओ माय गॉड, हमें तो पता ही नहीं चला कि ये आदमी इतना डेंजरस है। हाँ भाई, जाते जाते ऐसे घूर रहा था जैसे खाई जाएगा, मैं तो पैल्पिटेट्स कर रही थी। नहीं आप प्लीज आंटी जी फिक्र मत कीजिए, उसे डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी, साथ फूटेगी। दो कौड़ी की लड़की, बड़े घर की बहू क्या बन गई, हवा में उड़ने लग गई। तेरे पर न कतर दिए तो मेरा नाम भी रूप नहीं, तेरी वजह से मेरा बेटा जेल गया। अब देख कैसे मैं तेरी जिंदगी बर्बाद करती हूं। बहुत गुरूर है ना तुझे शिवाय पर और अपने प्यार पर। मैं इस प्यार को नफरत में बदल दूंगी। जहां से उठ के आई है मैं तुझे वहीं पहुंचा दूंगी, दांतों दांतों में। ये सब करने की क्या जरूरत? क्यों नहीं है जरूरत? मुसीबत तुम लोग का पीछा नहीं कर रही है,
डेरा डाल के तुम लोगों के सर पे बैठ गई है। अरे पहले घर से निकाल दिया, फिर वो वीर राक्षस का गुआ में सामना करना पड़ा, घर वापस आया तो श्वेतलाना और सौम्या ने स्यापा खड़ा कर दिया। मेरे बच्चों को किसी की नजर लग गई है जरूर। मुझे मुझे क्यों नहीं मानना? वो सिर्फ मेरी बहू के लिए। देख रहा ना बेटा शिवा, तेरी माँ कितनी जल्दी पटरी बदल रही है। पटरी नहीं बदली शक्ति जी, शायद खुद ही बदल गई। या ये जो प्यारी सी बच्ची मेरे सामने खड़ी है ना, इसने मुझे बदलने पे मजबूर कर दिया। नजरें क्यों झुका रही है? सर तो मेरा झुकना चाहिए था ना बहुत पहले। कितना सहा ना तूने इस परिवार के लिए, घर के लिए, शिवाय के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल दी, और मैं बड़बड़ाती रही हर समय। कितना कुछ बोला तुझे, एक बार भी पलट के जवाब नहीं दिया तुमने। अगली बोलना चाहिए था ना, सर उठा के बोलना चाहिए था उससे। दिल से नफरत करना चाहती थी तुझसे, लेकिन तेरे प्यार ने तो मेरी नफरत की भी वो मैं माता कर दी। आपने मुझसे कभी नफरत की ही नहीं, सिर्फ गुस्सा किया। और गुस्सा करना तो बड़ों का हक होता है। यही तो प्रॉब्लम है तेरी, इतनी अच्छी है ना तू, इतनी नहीं सबसे अच्छी है मेरी बहू जो है। और देख शिवाय की तरह सबसे पहले इसके लिए भी परिवार आता है। परिवार क्यों ना है, परिवार से ही तो हम सब है। सास बहू का फर्क मिला तो चलता रहेगा। क्या आपको इंटरेस्ट है रूडी के शादी के वीडियो को देखने में? क्योंकि इन लोगों को तो लग नहीं रहा है कि इंटरेस्ट। नहीं हमें भी है। हाँ चलो जाक उड़ाने हैं सर, चलो। क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रहा? कैसा आदमी है वो, जाते जाते बैटरी भी ले गया क्या? एक्सक्यूज मी, चल रहा है डफर। लाइट ऑन है देख। हाँ लाइट ऑन मुझे भी दिख रही है, पर स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? डीवीडी डाली थी तूने? ओ मैं एक्साइटमेंट में भूल गया, सॉरी। यही है। सो थर्स्टी। ये भी एक्साइटमेंट में हुआ होगा नहीं? अरे भैया पानी सूख जाएगा। ओ मैं माता, ये तो हिस्ट्री रिपीट्स होगी। मतलब मुझे अच्छे से याद है जब हम रूप की वीडियो टेप्स देख रहे थे ना उसकी शादी पे, तो शिवाय ने भी उस पर पानी गिरा दिया था। हाँ छोटा सा था 5-6 साल का, आते आते बोला था मम्मी मम्मी पंखी तो सामने रख दो हम सुखा लेंगे। शिवाय याद है ना? ओके ओके, उस उम्र में मुझे जो सही लगा मैंने बोल दिया। सो तो भैया ये भी पंखी के नीचे सुखा लो ना। मैं छोटा था उस टाइम पर, तू थोड़ा सा बड़ा है। डीवीडी पानी से खराब नहीं होती, अपनी टी शर्ट पे पहुंचो ट्राई करो। ओ एक मिनट। हो गया। ओके ओके चलो आ जाओ, देखो मैं वीर ने पुलिस को कुछ बताया? बड़ी सख्त हड्डी है सर, अभी तक मुंह नहीं खोला। पुलिस को बोलना पड़ेगा उसके साथ सख्ती से पेश आए। हमारा जाना बहुत जरूरी है कि उसके साथ और कौन कौन मिला हुआ है। जी सर। मैं यहां अपनी माँ का बदला लेने आया हूं। माँ का बदला? उसका क्या मतलब हुआ? नहीं मैं वीर को जानता हूं ना ही उसकी माँ को, तो किस किस्म का बदला?
आए सोच सोच क्या क्या हुआ था उस रात. कम ऑन शिवाय सोच. माँ का बदला कल्याणी हूँ. माँ का बदला तेरी रूपू है ना. उस रात उनके बेबी की तबीयत बहुत खराब थी. उन्हें लेके अस्पताल गई थी शिवाय. मुझे आज भी याद है तूने अपनी रसोई में वो दाल मखनी बनाई थी. शिवाय को इतनी पसंद आई थी कि तेरे पीछे पीछे घूमता रहता था रेसिपीज मांगने के लिए. मुझे अच्छे से याद है जब हम रूप की वीडियो टेप देख रहे थे ना उसकी शादी पे तो शिवाय ने भी उस पर पानी गिरा दिया था. हाँ छोटा सा था 5-6 साल का. आते आते बोला था मम्मी मम्मी पंखे तो सामने रख दो हम सुखा लेंगे. मॉम मॉम का भाभी अब कभी मॉम मॉम को देखा तुमने. जी भैया वो गौरी भाभी के साथ मंदिर में थी. थैंक यू मंदिर. गौरी मॉम कहाँ है. बड़े भैया छोटी माँ जी अभी अपने कमरे में गई है. क्या हो गया. अब ओहो तू घोड़े पे क्यों सवार है भाई. सुबह क्या कर रहा है तू. क्या हुआ तुझे. मुझे सच जाना है. सच कैसा सच. आपने मुझसे कहा था उस रात जब कल्याणी मिल को आग लगी थी आप रूप बुआ के बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गए थे. हाँ कहा था. क्या ये सच है. सच है शिवाय पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है. क्योंकि हाल ही में आपने मुझे बताया था कि जब बुआ की शादी हुई थी तो उनके शादी के VHS पे मैंने पानी गिराया था. तब मैं कुछ 5-6 साल का था और जब उनकी पहली रसोई हुई थी तो उन्होंने दाल मखनी बनाई थी जो मुझे बहुत पसंद आई थी. एक सेकंड जस्ट डजंट मेक सेंस. क्योंकि जब कल्याणी मिल को आग लगी थी तब रूबुआ की शादी नहीं हुई थी तो बच्चा कहाँ से. शिवाय बहुत पुरानी बात है मिट्टी पा. नहीं नहीं मुझे मेरा ही जाना जरूरी है. मम्मी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए. प्लीज आप मुझे बताइए अगर उस रात सच में आप बुआ के बच्चे के साथ थी तो शादी से पहले वो बच्चा आया कहाँ से और मुझे उसके बारे में क्यों नहीं पता. हमें हमें बताया क्यों नहीं गया. हर बात बताने लायक नहीं होती. वो बच्चा नाजायज था. इतने सालों तक हमने ये बात सबसे छुपा कर रखी ताकि ओबरॉय फैमिली पर किसी की उंगली ना उठ सके. जेठ जी जिठानी जी तेरे पापा और मेरे अलावा ये बात कोई नहीं जानता. यहाँ तक कि मम्मी जी भी नहीं. फिर तुम लोगों को कैसे बताते. अच्छा आप कहाँ हैं. पता नहीं जेठ जी ने रूप को वो बच्चा किसी को दे देने के लिए कहा. किसे मैं नहीं जानती. ना हमने कभी रूप से पूछा ना उसने कभी बताया. बच्चे के बारे में कुछ कुछ, कुछ और. पैदा कब हुआ था आपको पता होगा. डेट्स तो मुझे नहीं याद पर तकरीबन कब. दिवाली के आसपास नवंबर्स. हाँ नवंबर्स ही था. ओके तुम जाओ मैं बात करूँ. इंस्पेक्टर बख्शी शिवाय सिंह ओबेरॉय. वीर प्रताप चौहान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली. अभी तक तो नहीं. हमने सारे तरीके अपना लिए लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला. लेकिन हाँ बचपन में एडॉप्शन से पहले जिस अनाथ आश्रम में उसे रखा गया था उसका पता चल गया है. कोई और इन्फॉर्मेशन. डेट ऑफ बर्थ या माँ बाप का नाम कुछ भी. नहीं उस अनाथ आश्रम से ये पता चला है कि नवंबर के महीने में वो पैदा हुआ था. नवंबर. रूप बुआ का बच्चा भी नवंबर में पैदा हुआ था. शिवाय को पता ही नहीं कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक ओबेरॉय है. तुम्हारी बुआ है ना वो मेरी मम्मी है. अपनी माँ का बदला लेने आया हूँ. इसका मतलब ये तो नहीं कि वीर रूप बुआ का बेटा. सिर्फ एक ही इंसान है जो इस बात को कंफर्म कर सकता है. मुझे माफ कर दे बेटा. मेरा बदला लेने की कोशिश में तू जेल पहुंच गया. लेकिन तू फिक्र मत कर तेरी माँ अब भी जिंदा है. मैं अपना बदला जब लूंगी तब लूंगी लेकिन उससे पहले मैं तेरा बदला जरूर लूंगी.
कहीं का नहीं छोड़ूंगी उस अनिका को। अरे शिवाय बेटा तू इतने अंधेरे में आप अकेले क्यों बैठी है? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, सर जरा भारी हो रहा था तो मैंने सोचा आंखें बंद कर लूं। टाइम क्या हो गया? शायद मुझे ना बार बार वो ड्रिंकिंग वाली साइकिल की घंटी सुनाई दे रही थी, इसे मैं देखने गई। वहां मुझे ना एक औरत दिखी, उसकी शक्ल नहीं मुझे दिखी। आपका बेटा वीर, आप ही के कहने पर उसने ये सब किया। नहीं, गोवा में अनिका को डराया, मुझे और अनिका को जान से मार देने की कोशिश की, हमारे दुश्मनों के साथ मिलकर मुझे बर्बाद करने की कोशिश की। क्यों क्यों बुआ, अपने परिवार से इतनी नफरत? परिवार? कैसा परिवार? परिवार वो होता है जो सुख दुख में एक दूसरे का साथ दे, ना कि दुनिया की ठोकरें खाने के लिए उसे अकेला छोड़ दे। परिवार तो होता है लड़कों के लिए, लड़कियों का कहां कोई परिवार होता है? पैदा होते ही पराए धन का ठप्पा लगा देते हैं, बाप और भाइयों की इज्जत का बोझ उसके कांधों पर रख देते हैं। बेटा गलती करे तो वो गलती, लेकिन अगर वही गलती बेटी से हो जाए तो पाप। तेजवीर जी सारी उम्र अय्याशी करते रहे, सारी उम्र, लेकिन मुझसे भूल हुई तो घर परिवार ये शहर तक छोड़कर चले जाने की सजा सुना दी। शादी के पहले मां बन गई तो मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो गए, शर्त रख दी कि या तो मैं अपना घर छोड़ दूं या अपने बच्चे को। मैंने आखिर में अपने बच्चे को उसे दूर कर दिया ताकि ये ओबराय खानदान की इज्जत शान आज ना आए। और मेरे भाइयों ने क्या किया? मुझे मेरा हिस्सा तक नहीं दिया। मैं पूछती हूं, अगर यही गलती तेजवीर जी या शक्तिवीर जी ने की होती तो क्या उनके साथ भी ऐसा ही किया जाता? अगर तुझसे ओमकारा या रुद्र से ये भूल हुई होती तो क्या तुमसे भी कहते घर से निकल जाने के लिए? आपको नाराज की थी तो आपको बात करनी चाहिए थी, अगर आपके साथ गलत हुआ तो लड़ना चाहिए था, अपने लिए अपने बच्चे के लिए। अगर आप बात कर लेती ना तो डैड बड़े पापा मान जाते, लेकिन आपने क्या किया? अपनी नाराजगी को नफरत में बदल दिया, अपनों की ही जान लेने पे तुलाई आप। हाँ ये तू इसलिए कह रहा है क्योंकि तू अपने घर वालों की असलियत जानता नहीं है। वो जैसे दिखते हैं ना वैसे है नहीं। कहना क्या चाहते हैं? सुनना चाहता है तो सुन। तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बड़ी माँ, बड़े पापा, इन सब लोगों के हाथ खून से रंगे हुए हैं। ये ओबराय अंपायर न जाने कितने लाखों मासूम लोगों की लाशों पर खड़ा हुआ है। ओके ओके, मैं इन बातों को नहीं मानता। मेरा परिवार ना इस सब में शामिल नहीं है। अगर आपको लगता है आप मुझे मेरे ही परिवार वालों के खिलाफ भड़का सकती हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी में तो तू जी रहा है शिवाय। और अगर सच में तू इस गलतफहमी को दूर करना चाहता है तो आज रात 12 बजे कल्याणी मिल्स पहुंच जाना। तुझे अपने घर वालों की असलियत पता चल जाएगी, असली चेहरा दिख जाएगा। Thank you.
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।